दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है लूट केस। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, जेबा बख्तियार, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर। इसके अलावा इस फिल्म को म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने, और इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे संजय गुप्ता। तो दोस्तों, ये बात है साल 1992 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। और बात करें इस फिल्म से जुड़ी यूनिक कास्ट के बारे में, तो इस फिल्म में हमें स्किलफुल एक्टिंग का पावर हाउस यानी विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त एक ही साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देने वाले थे। और देखा जाए तो विनोद खन्ना और संजय दत्त तो इससे पहले मल्टी स्टारर फिल्म खून का कर्ज में स्क्रीन शेयर कर चुके थे, मगर विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले थे। और इस बात पे हर सिनेमा फैन ही इत्तेफाक करेगा कि ये तीनों एक्टर्स अपने नेचुरल स्टाइल में ही बड़े से बड़े एक्टर को पीछे छोड़ सकते हैं, और इन तीनों ने ही अपने अपने पीक एरा में एक से बढ़कर एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। और देखा जाए तो साल 1992 में संजय गुप्ता ने अपने डायरेक्टोरियल कैरियर की शुरुआत इस फिल्म से करने का फैसला किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेगा प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया, जिसकी वजह हमेशा से ही अननोन रही। लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक इतनी बड़ी स्टार कास्ट में शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट जैसे इश्यूज ही इस फिल्म के बंद होने की सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं। और फिर इसके एक साल के बाद विनोद खन्ना और संजय दत्त हमें क्षत्रिया फिल्म में एक साथ देखने को मिले थे, लेकिन विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती का कॉम्बिनेशन सिनेमा फैंस के लिए एक सपना बन के रह गया। तो दोस्तों, लूट केस मूवी के बारे में आप सबकी क्या राय है कि विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त की ये मूवी अगर उस टाइम पे बन के रिलीज हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पे हिट होती, सुपरहिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।